हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। चेतना किचन में एक बार फिर से स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही स्पेशल हलवा। शायद आपने आज तक इस चीज़ का हलवा नहीं खाया होगा। तो चुनिए, मैं आज बनाने जा रही हूँ चावल का आटे का हलवा, जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट भी बनता है। आप एक बार ज़रूर ट्राई करना चावल के आटे का हलवा। चावल का आटा या फिर आप ग्राइंडर जार के अंदर चावल से आटा बना सकते हो, या फिर मार्केट में भी बड़े आसानी से मिल जाता है। तो ये देखिए इस तरीके, ये मैंने घर पे बनाया हुआ है चावल का आटा ग्राइंडर जार से। तो इधर मैंने कढ़ाई के अंदर एक बड़ा चम्मच देसी घी डाल दिया है, और देसी घी को मेल्ट होने के बाद में हम इसके अंदर डालेंगे। जितना हमने घी डाला है उससे दुगुना मैंने यहाँ पे आटा डाल दिया है, और आटा हमें इतना ही डालना चाहिए जो इस कंसिस्टेंसी में होना चाहिए आटा हमारा। बिल्कुल घी में डालते ही ड्राई नहीं होना चाहिए, इतना ज़्यादा नहीं डालना है, सिर्फ पतला पतला ही रहना है। इसी तरीके से तभी आपका जो हलवा है वो परफेक्ट बनेगा। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे आटे को अच्छे से भून लिया है और इसका कलर भी चेंज हो चुका है, आप देख पा रहे होंगे। और आटे को अच्छे से भूनने के बाद में मैंने इसके अंदर एक गिलास बिल्कुल जो हमारा नॉर्मल पानी होता है वो डाल दिया है। और पानी डालते ही हमें इसको छोड़ना नहीं है, इसको अच्छे से चम्मच से इस तरीके से मेल्ट करते रहना है, मिलाते रहना है, मिक्स करते रहना है। और अब हम इसके साथ में ही डाल देंगे चीनी टेस्ट के अकॉर्डिंग, जितना मीठा पसंद करते हो उतना। और उसको भी फटाफट इस तरीके से मिक्स कर दीजिए। चावल का आटा है वो बहुत जल्दी फूल जाता है पानी डालते ही। तो ये देखिए कितना मतलब गाढ़ा हो गया है। कुछ देर पहले घी के अंदर बिल्कुल पतला पतला लग रहा था, आपको लग रहा होगा घी ज़्यादा है, लेकिन बिल्कुल नहीं है घी ज़्यादा, इसके अंदर हलवा परफेक्ट बनता है। और अब मैं इसके अंदर कलर के लिए केसरी येलो कलर डाल देती हूँ, बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो ठीक है, वरना इसके बिना भी इसका कलर बहुत अच्छा आता है। तो ये देखिए, हमारे जो चावल के आटे का हलवा है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। और बनाना तो आपने देखा ही है कितना ज़्यादा आसान है। और हलवे के अंदर घी ना हो, घी दिखाई ना दे, तो वो हलवा ही क्या। तो हलवे के अंदर फुल घी होना चाहिए, तभी हलवा हमारा टेस्टी बनता है। और ये देखिए कढ़ाई को भी अच्छे से छोड़ रहा है। अगर आप घी की कमी रख देते हो तो हलवा है वो कढ़ाई के चिपकने लग जाता है और अच्छा नहीं बन पाता है। तो आप इसमें थोड़ी थोड़ी कुछ बातों का अगर ध्यान रखते हो तो आपका हलवा भी बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। तो ये देखिए हलवा रेडी हो चुका है। अब हम इसको इससे ज़्यादा नहीं पकाएंगे। और अब मैं लास्ट में इसके अंदर डाल देती हूँ इलायची का पाउडर। हलवे के अंदर इलायची का पाउडर बहुत अच्छा टेस्ट आता है। हलवे के अंदर इलायची का पाउडर जरूर डालना, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इलायची पाउडर से। और आप चाहो तो यहाँ पर इसके अंदर ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हो, मैं ऊपर से डालूँगी ड्राई फ्रूट इसके। तो ये देखिए हलवा अच्छे से रेडी हो चुका है, बिल्कुल खिला खिला हलवा बना हमारा, बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं बना है, क्योंकि हमने इसको अच्छे से पका लिया है और घी भी हमने यहाँ पे फुल डाला है इसके अंदर। तो हलवा रेडी है खाने के लिए। चलिए इसको प्लेट के अंदर निकाल लेते हैं। तो ये देखिए हमारा हलवा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना है, बहुत यम्मी बना है। ऊपर से मैंने कुछ ड्राई फ्रूट डाल दिए हैं वहाँ पर, मैंने काजू बादाम और किशमिश डाले हैं। आप चाहो तो कुछ भी पिस्ता वगैरह भी डाल सकते हो। और ये देखिए हमारा जो हलवा है चावल के आटे का, वो कितना टेस्टी, मैं आपको पास से दिखा देती हूँ। बहुत ही खिला खिला बना है और खाने में तो फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना ये हलवा। आप एक बार ज़रूर ट्राई करना, और बनाने में बहुत ही आसान है। चावल तो हमारे घर पर हर टाइम अवेलेबल होते हैं, तो आप उनको ग्राइंडर जार के अंदर अच्छे से पीस लीजिए, उसका हलवा बना दीजिए, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है ये। तो ओके फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और उसके पास में जो घंटी का निशान है उसको ज़रूर प्रेस करना, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ वो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। और वीडियो, और आप भी एक बार इस तरीके से चावल के आटे का हलवा ज़रूर ट्राई करना, मेरी इस रेसिपी को देख के सबको बहुत पसंद आएगा, पूरी फैमिली को। और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो अभी आप सबको पता है त्योहारों का सीज़न चल रहा है, और आप एक बार ज़रूर ट्राई करना। तो ओके फ्रेंड्स, मिलती हूँ अगली वीडियो में एक बार फिर से एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।